लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वाइट एनिमल स्पेशल होते हैं और जो लोग इन्हें देख लेते हैं वो अपने आप को लकी बताते हैं क्योंकि वो दिखने में इतने खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये वाइट कलर कुछ ही एनिमल्स के पास में होता है। ये वाइट एनिमल्स जंगल में ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये वाइट एनिमल्स बहुत रेयर होते हैं जो कि इन्हें बहुत कीमती बनाता है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अनोखे वाइट एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 6, गोरिल्ला। ये इतिहास का सिर्फ अकेला ही एल्बिनो गोरिल्ला है। इसका नाम स्नोफ्लेक्स है। इसे सबसे पहले 1996 में एक्वाटोरियल गुयाना में पकड़ा गया था, फिर इसे बार्सिलोना को बेच दिया गया। पहले बार्सिलोना जू को पता नहीं था कि स्नोफ्लेक्स कितना कीमती है। जल्द ही एल्बिनो गोरिल्ला पूरी दुनिया में फेमस हो गया। उसकी फोटोज पोस्टकार्ड और गाइड बुक्स पर प्रिंट होने लगीं। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से बार्सिलोना जू में आते थे। स्नोफ्लेक्स के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं। इस गोरिल्ला के 22 बच्चे हुए जिसमें से कोई भी एल्बिनो नहीं निकला, लेकिन स्नोफ्लेक्स के ग्रेट ग्रैंडसन मकाओ की पिंक फिंगर्स थी। 2001 में स्नोफ्लेक्स को स्किन कैंसर हो गया और 2003 में उसकी डेथ हो गई। नंबर 5, एलिगेटर। शायद आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हो, पर वाइट एलिगेटर आज भी दुनिया में मौजूद हैं और ये बहुत रेयर हैं। ये अभी लगभग दुनिया में 100 ही मौजूद हैं। वाइट एलिगेटर्स के लिए जंगलों में शिकार करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने वाइट कलर की वजह से अपने शिकार को आसानी से दिख जाते हैं। इसलिए वाइट एलिगेटर्स को जू में रहना ही ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उन्हें वहाँ पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता है और उन्हें टाइम पर खाना भी मिल जाता है। नंबर 4, डियर। वाइट डियर एक बहुत ही खूबसूरत एनिमल है जिसे देखकर हर कोई यही कहेगा कि ऐसी खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी। इन वाइट डियर्स को आपने स्टोरीज और मूवीज में ही देखा होगा, लेकिन ये मूवीज और स्टोरीज तक सीमित नहीं है बल्कि ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जैसे कि फिनलैंड और अमेरिका। सेंसिका डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे ज़्यादा वाइट डियर्स पाए जाते हैं और वहाँ पर वाइट डियर्स का शिकार करना बैन है, इसलिए उनकी पॉपुलेशन आज 300 से भी ज़्यादा हो चुकी है। नंबर 3, वेल। आपने बिल्कुल सही देखा, ये वाइट वेल ही है जो शायद आपने इसके पहले कभी नहीं देखी होगी। इस वेल का नाम मिगेलू है और साइंटिस्ट इस पर कई सालों से नज़र रख रहे हैं। ये वेल 90s में ऑस्ट्रेलिया में देखी गई थी और उस टाइम ये वेल दुनिया की अकेली वाइट वेल थी। साइंटिस्ट का कहना है कि मिगेलू 1986 से 1989 के बीच पैदा हुई होगी, इसलिए उसकी एज लगभग 30 ईयर्स होगी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वाइट वेल्स के लिए एक न्यू लॉ बनाया है जिसमें कोई भी इंसान मिगेलू के पास नहीं जा सकता और कम से कम उससे 500 मीटर्स की दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। ये उन्होंने वाइट वेल्स की सुरक्षा के लिए किया है। मरीन बायोलॉजिस्ट समय समय पर वाइट वेल की वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करते रहते हैं। अब आप ये पूछ सकते हो कि साइंटिस्ट बिना किसी डिवाइस के मिगेलू को ट्रैक कैसे कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि हम 15 मीटर्स लंबी और 40 टन्स भारी वेल की बात कर रहे हैं जिसे समुद्र में देखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नंबर 2, टर्टल्स। टर्टल्स के बारे में जानने से पहले, अगर आपने अभी तक द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वाइट टर्टल्स भी दुनिया में मौजूद हैं। इन वाइट टर्टल्स का समुद्र में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनके लिए एक्वेरियम ही सेफ रहता है। ऑर्डिनरी सी टर्टल्स और सॉफ्ट शेल टर्टल्स, सभी तरह के टर्टल्स में एल्बिनोस पाए जाते हैं। नंबर 1, लायंस। वाइट लायन भी एक ऐसा एनिमल है जो लगता है कि किसी स्टोरी से आया हो। वाइट लायन एक बहुत ही रेयर एनिमल है। उनका ये वाइट कलर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। वाइट लायन साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनके लिए भी जंगल में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इनका शिकार
इन्हें आसानी से देख लेता है, इसलिए शिकार कर पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कई वाइट लायंस तो भूख से ही मर जाते हैं, और शिकारियों के लिए भी ये एक ईजी टारगेट बन जाते हैं, इसलिए ये जू में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। 2015 में टोरंटो के एक जू में 4 वाइट लायंस के बच्चे पैदा हुए जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको कौन सा वाइट एनिमल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि जिसने भी इन एनिमल्स को नहीं देखा है वो भी इन्हें देख सके।